ये कौन है जो ऐसे मुझे खोल रहा है, मेरे भीतर है लेकिन मुझसे अलग बोल रहा है। गुरु की महिमा को हम सब जानते हैं। आज हमारे साथ कोचिंग गुरु हैं डॉक्टर VMS ग्रोवर, ज्ञानम इंस्टीट्यूट के मैनेजिंग डायरेक्टर, जिनके यहाँ से पंजाब में पटवारी की नौकरी पाने वाले युवक भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है ब्रॉडकास्ट मंत्रा में। शुक्रिया शुक्रिया। जब गुरु के शिष्य कुछ पा लेते हैं तो बड़ी खुशी होती है। आज आप ज्ञानम इंस्टीट्यूट ने जो एक राह दिखाई, जो उनको एक रास्ता दिखाया, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ये खुशी तो बयान नहीं की जा सकती। जब अपने बच्चे अपने से, जब कहते हैं कि जब बाप का जूता है जो बेटे के पाँव में आना शुरू हो जाए, तो जो है ना बाप फख्र महसूस करता है। और जब हमारा ये जितने भी बच्चे हैं ये हमारे बच्चों जैसे हैं, तो ये जब नौकरी पाते हैं तो लगता है कि शायद हमने ज़िंदगी में कोई खुद मुकाम हासिल कर लिया है। आज बस इतनी खुशी है कि उसको बयान करना मुश्किल है। वाकई बहुत बड़ी खुशी है। और कहते हैं कि कृतज्ञता का भाव, ग्रेटिट्यूड का भाव जीवन में माधुर्य घोल देता है। हमारे साथ वो यंग पटवारी हैं जिन पर पंजाब उनकी तरफ देख रहा है। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगा और ये जानना चाहूँगा कि आखिर पटवारी बनने की ललक आप में क्यों पैदा हुई? थैंक यू सर। सबसे पहले तो ज्ञानम इंस्टीट्यूट का बहुत बहुत धन्यवाद सर, जिन्होंने हमारे को यहाँ पे इतना वेलकम किया। बात रही है पटवारी की सर, एक ऐसी पोस्ट है पटवारी की, मतलब इसको पाने के लिए हर कोई चाहता है, क्योंकि हर छोटे लेवल से लेके ऊपर लेवल तक हर बंदे को पटवारी के से काम पड़ता है, तो इसीलिए इसका क्रेज़ ज़्यादा है थोड़ा बाकी पोस्टों से। इसके लिए हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो हमारे गुरु जी ग्रोवर सर, इनके बदौलत हम आज इस मुकाम को हासिल करने में हासिल हुए। थैंक यू। राजस्थान में कहावत है, पंजाब की तो मैंने सुनी है, कि जिसके पास नहीं जमीन की कयारी उसका क्या करेगा पटवारी। लेकिन पटवारी का एक ऐसा पद है जो कि किसानी से जुड़ा हुआ है, जमीन से जुड़ा हुआ है। आप खूब मुस्कुरा रहे हैं आज। बिल्कुल बिल्कुल सर, मुस्कुराने का टाइम आ गया। पहला मेहनत बहुत की बिना मुस्कुराए, और असी पूरा जोर लाया दिन रात किया, सिर्फ 4 या 5 घंटे आप सौंदे होंगे, सारा दिन रात आप सारा 18 घंटे आप बड़ा हार्डवर्क किया। उस हार्डवर्क के करके असी 2.5 लाख बच्चों के निकल के 1090 आए हैं। बहुत हार्डवर्क किया आप, तो हम साज खुशी का टाइम है, तो असं अच्छ खुशी मनावे सर। अच्छा, कोचिंग गुरु के बारे में क्या कहेंगे आप? सर इन्हों के लिए तो मेरे कोई शब्द है ही नहीं, नो वर्ड्स, एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता की किया जा सकता सर। ये मतलब टॉप तो उपर है, कितने उपर, कोई वर्ड्स नहीं इन लिए, एक्सट्रीम। एक मोटिवेशन होंगी है ना सर, एक बहुत वड्डे मोटिवेटर ने सर। किसी बंदे नू जे 70 मार्क्स ने जे 80 तक लैके जाना, सिर्फ इन्हां दी मोटिवेशन नाल ही लैके आ सकदे सर। चलिए, मुझे एक शेर याद आ रहा है आज इन पटवार के बीच के, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, धूल उड़ाते जहाँ चले, न जग से कुछ लिए चले, जग को कुछ दिए चले। करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आज आप देने की स्थिति में आ गए हैं समाज को, क्या सोच रहे हैं आप, क्या लगता है कैसे दे सकते हैं समाज को? हमने पहले आर्मी में भी बिल्कुल ईमानदारी से ड्यूटी की है, हमारे अंदर तो वही है कि अभी भी हम आगे भी ईमानदार से करेंगे। बाकी ग्रोवर सर का थैंक यू, जिन्होंने हमारे को गाँव का DC बना दिया, आज हम DC बन गए हैं अपने पिंडा दे, बड़ा माण महसूस कर रहे हैं। और थैंक यू ज्ञानम, थैंक यू। तो एक सवाल, अभी जो आपके बारे में जो प्रोग्राम हमने देखा है उसमें ये बात कही है आप में देने की बड़ी ललक है। आप के जो एक हमारे जो इंग्लिश के टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं वो बता रहे थे कि आप हमेशा समाज को कुछ देने के बारे में सोचते रहते हैं, कैसा क्या संकल्प है आपका? मैं अगर डॉक्टर VMS ग्रोवर से पूछूं इसके बारे में, मैं क्या कह सकता हूँ कि बस नेचर ही ऐसी है, परिवार से ऐसा ही सीखा है कि जो दे सकता है अगर हम उसको बांट लें तो फिर शायद सारी दुनिया अच्छी हो जाए, सारी दुनिया का भला हो जाए उसमें। अगर हम हर एक चीज़ को अपने पास रखने की कोशिश करेंगे तो शायद कभी कोई बड़ा हो ही नहीं सकता, बड़ा वही है जो किसी को देता है। मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ, कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास है
उसको दूसरों के साथ शेयर कर लें, बस यही एक तमन्ना है। ज़िंदगी के इन पलों में मुझे लगता है कि अगर इंसान को ये याद रहे कि मुझे कौन याद रखेगा, ठीक है, तो ये जो आज की नई पीढ़ी है, हम होंगे या नहीं होंगे, पर ये तो होंगे, कभी बात करेंगे हमारे। एक आखिरी सवाल, मंत्र क्या देना चाहेंगे कोचिंग गुरु जो आने वाले, क्योंकि सरकारी नौकरियां तो घटती जा रही हैं, कैसे सरकारी नौकरियों को पाया जाए, कैसे तैयार करें, एक मंत्र? मंत्र तो मेहनत के सिवा कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत है। ये जितने भी कैंडिडेट्स खड़े हैं यहाँ पे, इनको पता है कि यहाँ पे एक नंबर नहीं, 0.25 या उसका भी जो है ना एक फ्रैक्शन है, उसके ऊपर भी 50-50, 100-100 कैंडिडेट्स हैं। तो यहाँ पे तो एक गलती हुई नहीं तो ये जैसे शतरंज की बाजी होती है ना कि एक चाल गलत हुई नहीं और आप नीचे गिर गए, तो यहाँ भी यही हाल है कि आपको हर पाँव पे ठीक काम करना है, और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि उस मेहनत, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो वही मेहनत का रंग है आज ये लेके आए हैं कि आज इन्होंने कामयाबी हासिल की है। और कहा भी गया है कि मानव जिस लक्ष्य में ध्यान लगा लेता है वो पूर्ण कर लेता है। पंजाब के इन होनहारों ने अपनी मेहनत से और ज्ञानम के मार्गदर्शन से पटवारी का एक सम्मानित पद जिसको कहा जाता है वो हासिल किया है। मुझे दीजिए अनुमति, लेकिन आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ।